डिग्री चैनल से मितेश परमार। आज मैं बात करने वाला हूं डीएवी इंदौर में, जो कि अभी तक डीएवी इंदौर जो कि सीयूटी यूजी में अभी तक लिस्ट होता हुआ नहीं दिख रहा था। सीयूटी यूजी का जब बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहा था ना, तो उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि सर मैं जब डीएवी सिलेक्ट करने का सोच रहा हूं ना कॉलेजेस में, तो मुझे कॉलेज दिख ही नहीं रहा है। पर अब वो यहां पर लिस्ट हो चुका है और अब आपको लिस्ट दिखेगी। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीएवीवी ने अपनी कोर्स लिस्ट भी आउट कर दी है। कुछ कंफ्यूजन थे, अब यहां पर वो क्लियर है कि कौन सा कोर्स डीएवी में होगा और कौन सा नहीं होगा। वो सारी बातें अब फाइनलाइज करी है डीएवीवी ने। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने सारे कोर्सेज बताए थे, यहां पर थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो भी आप जरूर देखेगा। इस वीडियो को एंड तक देखेगा, मिस मत करिएगा। मैं पूरी कोर्स लिस्ट पे भी आने वाला हूं। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि हमारा सीयूटी का जो बैच है यूजी का, वो अनाउंस हमने कर दिया है। सीयूटी एंड सीमेट भी, अगर आप सीमेट देना चाहते हो, सीयूटी यूजी जो है वो हमारा बैच 15 मार्च से यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सेकेंड एक और चीज, जो बैच हमारा होगा 15 मार्च से, एंड हमारा जो है ना फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से भी अदर बैचेस चालू हो रहे हैं। तो अप्रैल एंड मार्च में हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप उन दोनों के लिए हमारी ऐप से या दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। अर्ली बर्ड्स में बहुत प्यारे प्यारे ऑफर्स हैं और बहुत मिनिमम कॉस्ट में हमारा कोर्स चल रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हमारा बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में बैच चल रहा है। तो मैं आता हूँ सीधे जो हमें यहाँ पर जो हमारा जो वीडियो है जिस टॉपिक पे उस पर। तो सबसे पहले सुनो आपको क्या करना है। पहली बात तो ये मैं पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वेबसाइट का। यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है ना बच्चों को, वो आ रही है वेबसाइट की। सीयूटी यूजी का कौन सा वेबसाइट है ऑफिशियल, ये मुझे जानना है। तो क्या करेंगे, तो सीयूटी का ऑफिशियल वेबसाइट आप नोट करिए, क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट भी चल रहे हैं। जब हम सर्च कर जाते हैं तो बहुत सारे फेक वेबसाइट्स हैं। तो वेबसाइट का नाम आप सुन लीजिए क्या है, cvtug.ntaonline.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। फिर सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं आपको रिपीट करके, cvtug.ntaonline.in। क्लियर है, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और इस वेबसाइट से ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स बन चुकी हैं सीयूटी समर्थ के नाम से, सीयूटी यूजी के नाम से। तो बहुत सारी फेक वेबसाइट्स हैं, तो आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है जहां से आप फॉर्म भर सकते हो और सारी क्लियरिटी आपको मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, फेक वेबसाइट से बचे। अब आते हैं वेबसाइट पे, cvtug.nta.online.in पे आए। अब यहां पर हम इस वेबसाइट पर जाकर हमें क्या करना है, यहां पर हमें ये करना है कि देखो यहां पर आपको होम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स आप यहां से निकाल सकते हैं अगर कुछ आपको चाहिए हो तो। मेन बात यूनिवर्सिटीज की, मैं यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करता हूं। मैंने बोला यार सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, देखो यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो यहां पर देखो मैं क्लिक करता हूं तो कुछ आता वाता कुछ भी नहीं है। आप सीधे आते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज में, तो देखो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज में अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज है। ये लिखा देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर। जैसे ही मैंने देवी अहिल्या पे क्लिक किया तो देवी अहिल्या का यहाँ पर पूरा आ चुका है कंडीशंस की क्या क्वालिफिकेशन है, डोमेन है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब देखो उन्होंने जो फाइनली यहाँ पर दिया है, एक दो कोर्सेज थे जो लग रहा था कि नए आएंगे पर उन्होंने ना जाने क्यों यहाँ पर नहीं दिया है, क्या गड़बड़ है, उसका अपडेट भी मैं बहुत जल्द देके आऊंगा। पर पहले हम देख लेते हैं कि यूजी के अंदर उन्होंने कॉमर्स के अंदर क्या डाला है। बीकॉम 4 इयर्स, बीए बीकॉम, बीकॉम 4 इयर्स का है, बीकॉम फिर नॉर्मल बीकॉम भी है, बीए ऑनर्स भी है, फिर इकोनॉमिक्स 4 इयर का, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, बीए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी जो लास्ट ईयर भी थे वो सारे। अब आपको डोमेन क्या लेना, देखो वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा अच्छा कर लेना ताकि तुमको ये सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा तुम इम्प्रूव कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो एक मिनट रुके, मैं इसको क्लियरिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसको ठीक कर दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा सा मैं तुमको बताऊं तो मिनिमम तुम्हें 10+2 में 50% चाहिएगा। ध्यान रखिएगा 10+2 में तुम्हें 50% चाहिएगा। डोमेन क्या है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट ही आपको लेना, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। अब आते हैं यहाँ पर, सुनो जरा, मैं यहाँ पर आता हूँ 5 ईयर वाले कोर्स पे इंटीग्रेट। पहले कॉमर्स वालों खत्म कर देते हैं। कॉमर्स वालों में बीए एलएलबी भी है, कॉमर्स एंड अदर सब्जेक्ट्स वाले जो एलएलबी करना चाहते हैं वो भी है 5 ईयर का। मैनेजमेंट के अंदर 5 ईयर एमबीए, 5 ईयर एमबीए इन मैनेजमेंट साइंस आईपीएस का होता है, एमबीए टूरिज्म होता है, एमबीए कॉमर्स और एमबीए फॉरेन ट्रेड है, और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसके लिए भी जनरल टेस्ट और इंग्लिश ही लेना है, इसके लिए भी जनरल टेस्ट और इंग्लिश ही लेना, क्लियर। अब मैं बात करता हूँ साइंस कोर्स के लिए। साइंस कोर्स में सबसे पहले इन्होंने क्या डाल रखा है, एक बी फार्मा डाल रखा है, बीसीए है, बीएससी फिजिक्स है,
ध्यान रखिएगा, बीएससी फिजिक्स, बीएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स, ये सीयूटी में डाला है, पहले नहीं था। तो भैया बीएससी आ चुका है, बीएससी 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 फिजिक्स अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड बीएससी मैथमेटिक्स, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पीसीएम है और इंग्लिश साथ में, पीसीएम इंग्लिश, पीसीएम इंग्लिश, इन तीनों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश चाहिएगा। बीसीए फोर ईयर के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश चाहिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश। हाँ, तुम्हें बी फार्मा करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी। तो कहने का मतलब है, अगर डीएवी से तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और साथ में इंग्लिश लेना पड़ेगा, और बायो हो तो बायो लेना पड़ेगा। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ये कर रखा है। फिर आते हैं देखो एमसीए और ये अदर एमटेक प्रोग्राम्स के लिए, जो आपने पिछली वीडियो में देख लिए थे, इसमें कोई चीज नई ऐड नहीं करी है ना रिमूव करा है, सारे वो ही है। इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश ही चाहिएगा आपको। और एक लास्ट कोर्स एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको लेना होगा एचएम। ये कैसा होता सब्जेक्ट है जो बायोलॉजी के बिना नहीं हो, राइट? तो एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपको लेना होगा। और सब में क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 में मिनिमम 50% है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको जो बताया वो है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको आपका फॉर्म अब भरना हो तो आप भर सकते हैं, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो अब कल आने वाला है उसमें मैं कैसे फॉर्म भरेंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो अभी नहीं भी भर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, होम एट होम तुम फॉर्म भर सकते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। पर ध्यान रखना मोबाइल से मत भरना, मोबाइल से भरने में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एरर्स होंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, राइट? तो ये सारा जो वीडियो था, फाइनली मैं इसको कंक्लूड करूं तो तुम्हें एक बात फाइनली यहां पर बता दूं कि जितनी भी चीजें तुमने यहां पर अभी ये चीज देखी है उसमें उसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि डीएवी में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो डोमेन का बहुत ध्यान रखना है, गलती मत करना डोमेन में। डोमेन की गलती से तुम्हारे तुम्हारा एग्जाम पेपर कैंसिल हो सकता है। कैंसिल तो क्या होगा, तुम जो भी सब्जेक्ट दोगे डोमेन फिर वो देना होगा, पर डीएवी में एडमिशन नहीं होगा, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो डोमेन जो दिए गए हैं वही भरना है, राइट? तो ये था, और भी कुछ डाउट्स और कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, या और भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमसे चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, नई बैच में आपका इंतजार रहेगा, आप चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे। ऑल द बेस्ट।